नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज वाराणसी यात्रा के दूसरे दिन यानी कि सोमवार को सर्ववेद महामंदिर का लोकार्पण किया। आपको बता दें, ये मंदिर 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसी के साथ मंदिर के लोकार्पण के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को कमजोर करने के लिए सबसे पहले प्रतीकों को ही निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में आगे कहा, जब मैंने सर्ववेद महामंदिर का दौरा किया तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ वेदों, उपनिषदों, रामायण, गीता और महाभारत की दिव्य शिक्षाओं का सर्ववेद महामंदिर की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है। रिपोर्ट देखिए। 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने आज दूसरे दिन सर्ववेद महामंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने सर्ववेद महामंदिर का दौरा किया तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। इस मंदिर में वेदों, उपनिषदों, रामायण, गीता और महाभारत की दिव्य शिक्षाओं को दीवारों पर चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है, जो बेहद अद्भुत है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की आध्यात्मिक संरचनाओं के आसपास ही हमारी शिल्प और कला के अकाल्पनिक ऊंचाइयों को छुआ है। यहाँ से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आगे ये भी कहा कि देश में राम सर्किट के बिना विकास के लिए भी तेजी से काम कर रहा है। आने वाले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण भी दे रहा है। वहीं बाबा केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छूता आ रहा है। इसके अलावा बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के साथ ही यहां के बुद्ध सर्किट के विकास कार्यों में कई परियोजनाओं की सौगात देकर उसका भी उद्घाटन अपने कर कमलों से किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसका जिक्र करते हुए कहा कि आज एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, यदि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते हैं तो देश के अंदर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव भी तेजी से मजबूत होता है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए R9 न्यूज के साथ।